Hello dear students, welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है इसमें हम क्लास 10 की चैप्टर 8 इंग्लिश की जो बुक है उसके चैप्टर 8 जिसका नाम है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मी की क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. तो बिना देरी की वे हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पहले क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. पहला क्वेश्चन है कि विच फेस्टिवल इज रेफर टू द राइटर. इस कहानी में राइटर ने लेखक ने कौन से फेस्टिवल के बारे में बात की है. तो फेस्टिवल ईस्टर इज रेफर टू द राइटर हियर, यानी कि इस कहानी में जो लेखक ने जो फेस्टिवल पर्व त्यौहार के बारे में बात की है वो है ईस्टर. ये क्रिश्चियंस का ये बहुत अच्छा त्यौहार होता है. तो अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. दूसरा क्वेश्चन है कि वाई वॉज स्लेजिंग ओवर. स्लेजिंग एक स्कीइंग कह सकते हैं, यानी कि बर्फ़ पे फिसलने वाली एक गेम टाइप का होता है, स्पोर्ट्स होता है स्लेजिंग. तो वाई वॉज स्लेजिंग ओवर, यानी कि स्लेजिंग ओवर क्यों हो गया था. तो आंसर है कि विद द एंड ऑफ द स्नोई सीजन, है ना, स्लेजिंग वॉज ओवर. मैंने बोला कि बर्फ़ के ऊपर जो फिसलने वाली जो गेम होती है उसको हम स्लेजिंग बोलते हैं. तो वही कहा जा रहा है कि बारिश जो स्नोवी सीजन यानी कि बर्फीले जो मौसम थे, है ना, स्नोवी सीजन जो था वो ख़त्म हो गया था, इस वजह से स्लेजिंग भी ख़त्म हो गई थी. तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, वाई वॉज वाटर रनिंग इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट. यानी कहा जा रहा है कि गांव की सड़कों पे, है ना, कि जो कहानी है उसमें बोला जा रहा है कि गांव के सड़कों पे विलेज स्ट्रीट पे पानी क्यों वहाँ पे बह रहा था. तो आंसर है कि वाटर फ्रॉम द फार्म यार्ड्स रन डाउन द स्ट्रीट ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ स्नो. यानी कि जो फार्म यार्ड्स में बर्फ़ थे ना, उनके पिघलने से पानी जो था वो सड़क तक आ गया था. यही आंसर होगा इसका. चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर डू टू लिटिल गर्ल्स मीट. अब इस कहानी में जो दो छोटी छोटी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, अकोल्या एंड मलासा. अकोल्या और मलासा जो दो लड़कियां हैं वो कहाँ पर मिली, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो द टू गर्ल्स मेट इन ए लेन बिटवीन टू होम स्टेड्स वेयर द डर्टी वाटर रनिंग थ्रू द फार्म यार्ड्स मेड ए पडल. तो कहा जा रहा है घर के बाहर दोनों जो लड़कियां थीं, है ना, घर के बाहर जो लेन थी ना उसके वहाँ पे वो लोग मिली एक दूसरे से, जहाँ पर गंदा पानी जो था फार्म यार्ड से बर्फ़ के पिघलने से निकल कर, है ना, उस रोड पर आ गया था और पडल बना दिया था, यानी कि कीचड़ का एक गड्ढा काइंड ऑफ बना दिया था पानी की वजह से. और देखिए क्या होता है कि पांचवा है कि आर दे ऑफ सेम एज. कहा जा रहा है कि क्या वो दोनों बच्चियां जो थी सेम एज की थी. तो नो दे वेयर नॉट ऑफ द सेम एज. दोनों जो थी एक साल की, मतलब एक उम्र की नहीं थी. अब अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड अकोल्या ट्राई टू चेक मलासा. यानी कि अकोल्या ने, है ना, मलासा को कहा जा रहा है कि चेक मतलब होता है रोकना. तो कहा जा रहा है कि अकोल्या ने मलासा को क्यों रोकने की कोशिश की. तो आंसर है कि अकोल्या चेकड अप मलासा टू गेट इनटू द पडल. यानी कि मलासा जो थी वो पडल में जाने वाली थी, यानी कि कीचड़ वाले जगह पे. तो उसने अकोल्या ने उसे रोकना चाहा. लेस्ट हर, लेस्ट मतलब होता है कहीं, कि मतलब कहीं उस मलाशा की हर शूज़ एंड स्टॉकिंग शुड बी ड्रेंस, यानी कि उसके जूते और जो मोजे हैं वो गीले ना हो जाए मलासा के, इस वजह से अकोल्या ने उसे रोका. व्हाट एडवाइस डिड अकोल्या ऑफर. अब कौन सा एडवाइस दी अकोल्या ने वो देखते हैं कि अकोल्या चेकड अप मलाशा टू गेट इनटू पडल लेस्ट हर शूज़ एंड स्टॉकिंग शुड बी ड्रेंस. तो इसको यही बात बोली गई, ठीक है ना. उसने यही बोला कि अगर तुम इसमें अंदर जाओगी तो तुम्हारे जूते और मोजे जो हैं गलत मतलब भींग जाएंगे. ये उसने सलाह दी. अब देखिए ट्रू एंड फॉल्स आ गया है. पहला क्वेश्चन है कि अकोल्या एंड मलाशा टेक ऑफ देयर शूज़ एंड स्टॉकिंग. तो क्या मलाशा एंड अकोल्या ने अपने जो शूज़ एंड स्टॉकिंग्स थे उसको उतार लिए. तो हाँ ट्रू. दे डू नॉट वॉक टूवर्ड्स ईच अदर इन द पडल. क्या वो एक दूसरे की तरफ चल नहीं रहे थे पडल में, बिल्कुल चल रहे थे, तो फॉल्स होगा. तीसरा है कि मलाशा एश्योर्स अकोल्या दैट वाटर इज़ नॉट डीप. तो मलाशा ने क्या ऐसा किया कि सुनिश्चित हो के ऐसे बताया क्या अकोल्या को कि पानी जो है गहरा नहीं है. तो नहीं, ये रॉन्ग है, फॉल्स होगा. मलाशा स्प्लैशेस वाटर. मलाशा ने पानी की छींटे मारी. तो हाँ बिल्कुल ट्रू होगा. अकोल्या रैन टू स्ट्राइक मलाशा. अकोल्या मलाशा को मारने गई. हाँ, स्ट्राइक मतलब धक्का देने गई या फिर मारने गई, तो ट्रू. मलाशा पर्पोजली स्प्लैशेस वाटर, नहीं ये रॉन्ग है, तो ये फॉल्स होगा. चलिए अब ये कि पैराग्राफ को हमें कंप्लीट करना है, इसमें कुछ जो वर्ड्स हैं वो हमें फिलअप करना है, तो चैप्टर पढ़ने के बिहाफ पे आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए वो कर दिया है कि दे ऑल वेंट ऑन क्वेरलिंग, वे सब लड़ाई करने लगे हैं। टिल वन गेव अनदर ए पुश, तब तक करने लगे जब तक वो एक दूसरे को धक्का ना देने लगे। एंड द अफेयर हैड वेरी नियरली कम टू ब्लोज, यानी कि जो ये बात थी, ये मतलब जिस बात से वो लड़ रहे थे वो अब बहुत मतलब भयंकर हो चुकी थी कह सकते हैं। व्हेन अकोलियाज ओल्ड ग्रैंड मदर स्टेपिंग इन अमॉन्ग देम ट्राई टू काम देम, यानी कि फिर उनकी जो अकोलिया की जो बूढ़ी दादी माँ थी वह इन सब मामलों में अंदर आई, मतलब हस्तक्षेप किया उन्होंने और शांत कराने की कोशिश करी। वॉट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स, मतलब वो बोलती हैं कि आप लोग क्या समझ रहे हो, है ना, आप लोग क्या सोच के लड़ रहे हो। इज़ इट राइट टू बिहेव सो, क्या इस तरीके से बर्ताव करना सही है। वन ऑन ए डे लाइक दिस टू, मतलब आज के दिन भी ऐसा करना ज़रूरी है क्या, यानी कि ईस्टर का डे था तो इस वजह इस पर्व त्यौहार पे लड़ना सही बात है क्या आपके समझ में। इट इज़ अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग एंड नॉट फॉर सच फॉली एज दिस, यानी कि ये जो समय है वह इंजॉय करने का है, ना कि नादानी या फिर मूर्खता करने का है। ठीक है, चलिए आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली आ गया। पहला क्वेश्चन है कि वाई डिड अकोलिया शाउट एट मलाशा, अकोलिया जो थी वो मलाशा पे क्यों चिल्लाई। तो अकोलिया शाउटेड एट मलाशा बिकॉज सी हैड स्प्लैश्ड डर्टी वाटर ऑन हर फ्रॉक आइज एंड नोज, तो अकोलिया जो थी मलाशा पे इसलिए चिल्लाई क्योंकि मलाशा ने गंदे पानी का छींटा जो था उसके अकोलिया के फ्रॉक पे मार दिया था और साथ में उसकी आँख और नाक पे भी। एंड सी गॉट एंग्री व्हेन सी सॉ स्टेन्स ऑन हर न्यू फ्रॉक, स्टेन्स मतलब धब्बे, तो अकोलिया जो थी गुस्से में आ गई थी जब उसने धब्बे जो थे अपने फ्रॉक पे, नई फ्रॉक पे देखा तो गुस्से से भर गई और इस वजह से वो चिल्ला रही थी मलाशा पे। आंसर दूसरा क्वेश्चन है कि वाई डिड अकोलियाज मदर सीज मलाशा, यानी कि अकोलिया की माँ ने मलाशा को क्यों रोका। अकोलियाज मदर सीज मलाशा टू पनिश हर, यानी कि अकोलिया की माँ जो थी अकोलिया के फ्रॉक पे जो धब्बे हुए थे मलाशा की वजह से, इस वजह से मलाशा को रोका ताकि उसको पनिश कर सके, उसको दंड दे सके। एच सी एस प्लस डर्टी वाटर और मलाशा फ्रॉक, क्योंकि उसने मलाशा, है ना, एच सी एस प्लस डर्टी वाटर ऑन, सॉरी यहाँ पे होगा अकोलियाज फ्रॉक्स, है ना, अकोलियाज फ्रॉक, क्योंकि मलाशा ने ही ना अकोलिया के फ्रॉक पे डर्टी वाटर फेंका था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन मलाशाज मदर केम आउट आफ्टर हियरिंग हर ऑल, यानी कि व्हाट हैपन व्हेन मलाशाज मदर केम आउट आफ्टर हियरिंग ऑल, मतलब जब मलाशा की माँ को, है ना, मलाशा की आवाज़ आने लगी रोने की, वह सुन के मलाशा की मदर जब बाहर आई तो क्या हुआ, है ना। तो व्हेन मलाशाज मदर केम आउट, जब मलाशा की माँ जो थी बाहर आई, सी आस्क्ड अकोलियाज मदर एंग्रीली, वो गुस्से में अकोलिया की माँ से पूछती है कि वाई सी वॉज हिटिंग हर डॉटर, कि वो उसकी बेटी को क्यों मार रही थी। सी बिगन स्कॉल्डिंग हर नेबर एंड दे हैड एंग्री क्वेरल, यानी कि उन्होंने स्कॉल्डिंग यानी कि अपनी जो नेबर थी, पड़ोसी थी, उसको डांटने लगी, है ना, और हर नेबर एंड दे हैड एंग्री क्वेरल, उसके वजह से उनके बीच में बहुत गुस्से वाली लड़ाई होने लगी। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है कि वाई वॉज नो वन लिसनिंग, यानी कि क्यों कोई नहीं सुन रहा था किसी की बात, है ना। तो एज एवरी वन वॉज शाउटिंग क्वेरलिंग विथ ईच अदर एंड वॉज इन टेम्पर दैट्स वाई नो वन वॉज लिसनिंग, जाहिर सी बात है जब लड़ाई हो रही तो सब हल्ला कर रहे हैं, सब लड़ झगड़ रहे हैं एक दूसरे से और बहुत टेम्पर में है, बहुत गुस्से में है, तो कोई किसी की नहीं सुन रहा था। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि डिड द ओल्ड वीमेन सक्सीड इन हर एफर्ट, तो आंसर है कि नो द ओल्ड वीमेन डिड नॉट सक्सीड इन हर एफर्ट, यानी कि जो बूढ़ी औरत थी, दादी माँ जी, तो अकोलिया की माँ दादी माँ जो थी वो क्या अपनी बातों से हस्तक्षेप करके उन लोगों को शांत करा पाई। तो देखा जाए तो रियल सेंस में उन्होंने तो नहीं शांत कराया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बोला उसके थोड़ी देर बाद ही सबने ये नोटिस किया, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हो लेकिन आपको कहानी का बता देता हूँ कि सबने ये नोटिस किया जो छोटी बच्चियाँ थीं वो आपस में ही सुलह कर चुकी थीं। इसके बाद उन्होंने देखा कि हाँ वो जो लड़ाई थी वो शांत हो गई अपने आप, लेकिन एग्जैक्टली उनकी बूढ़ी दादी अम्मा ने इतने मतलब एफर्ट डालने के बावजूद वो शांत नहीं करा पाई थी। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डिड अकोलिया डू वाइल अदर वुमेन वेर अब्यूजिंग ईच अदर, यानी कि अकोलिया ने क्या किया जब अदर जो दूसरी औरतें थी एक दूसरे को गालियाँ वगैरह दे थी, लड़ झगड़ रही थी, तो अकोलिया ने क्या किया। तो अकोलिया वाइप द मड ऑफ हर फ्रॉक एंड वेंट बैक टू द पडल, अकोलिया ने क्या किया उस समय जब वो लड़ रही थी सब औरतें, उसने अपने जो फ्रॉक पे मड कीचड़ लगा हुआ था, धब्बे लगे हुए थे, उसको पोछा और फिर से पटल में चली गई, फिर से वो खेलने चली गई क्योंकि वो बच्ची है ना। सी टुक ए स्टोन एंड बिगन स्क्रैपिंग अवे द अर्थ इन फ्रंट ऑफ द पटल। अब उसने क्या किया कि जो गड्ढा था ना, पटल जो था, जो जिसमें पानी भरा हुआ था, कीचड़ भरा हुआ था, उसके आगे पत्थर लेकर लकीर बनाने लगी, गड्ढा करने लगी, मतलब एक रास्ता बनाने लगी, जिससे सी मेड ए चैनल थ्रू विच वाटर कुड रन इन टू द स्ट्रीट। उसने ऐसा दिमाग लगाया बच्चे ने कि उस गड्ढे के आगे जो पत्थर से उसने रास्ता बना लिया, चैनल जैसा है ना, एक लंबा सा चैनल बना दिया, जिससे क्या हो कि जो गड्ढे में पानी है ना वो निकल कर रास्ते के बाहर आ जाए, गड्ढे के बाहर आ जाए और रास्ते पे आगे बह जाए, यानी कि गड्ढे में से कीचड़ का पानी हट जाए। तो देख लीजिए इतने छोटे बच्चे जो है इतना दिमाग लगाते हैं। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है कि वॉट डिड द टू गर्ल्स डू व्हेन मैन स्टार्टेड फाइटिंग, यानी कि जब लोगों ने लड़ाई करना शुरू कर दिया तो दोनों लड़कियों ने क्या किया। तो व्हेन द मैन स्टार्टेड फाइटिंग द टू गर्ल्स मेड ए चैनल थ्रू विच द वाटर ऑफ द पडल कुड रन आउट इनटू स्ट्रीट। वही बात है, उन दोनों लड़कियों ने क्या किया कि चैनल बना दिया, जिससे क्या हो गया, पानी जो था, पानी बाहर स्ट्रीट में चला गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि वाई डिड द ओल्ड वीमेन से टू द क्राउड आर यू नॉट असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, यानी कि ऐसा बूढ़ी औरत ने क्यों बोला क्राउड से, उस भीड़ से, कि क्या तुम्हें अपने आप पे शर्म नहीं आती है, ऐसा क्यों बोला। तो द ओल्ड वीमेन सेड लाइक दिस टू पैसिफाई द क्वारलिंग पीपल, यानी कि ऐसा बूढ़ी औरत ने इसलिए बोला ताकि वह जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे वो लोग, उनकी लड़ाई झगड़े को शांत करा पाएँ। पैसिफाई मतलब शांत कराना। अब आता है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वाई वर द टू गर्ल्स ड्रेस्ड इन न्यू क्लॉथ्स एंड वर शोइंग देयर फाइनरी टू ईच अदर। फाइनरी का मतलब आपको बता दूं, फाइनरी का मतलब होता है कि धर्मपरायण, है ना, अच्छी वाली चीज़ें जो होती हैं उसको बोलते हैं फाइनरी। अब देखते हैं क्या है, द टू गर्ल्स वर ड्रेस्ड इन न्यू क्लॉथ एंड शोइंग देयर इंप्रेसिव गारमेंट्स एंड ज्वेलरी टू ईच अदर। देखिए जो तो छोटी छोटी लड़कियाँ थी, बच्चियाँ थी, वो नए नए ड्रेस में पहनी हुई थी, और अपने जो बहुत अच्छे इम्प्रेसिव, यानी बहुत आकर्षक जो उनके गारमेंट्स थे, कपड़े थे, उनकी जो ज्वेलरीज थी, वो सारी एक दूसरे को दिखा रही थी। इट वाज ईस्टर फेस्टिवल, ये जो समय था वह ईस्टर, यह एक ईस्टर फेस्टिवल था, उस समय जो समय था वो ईस्टर फेस्टिवल का था। इट वाज अ टाइम ऑफ फन एंड मैरी मेकिंग, मतलब खुशी का माहौल था, ये जो समय था वो खुशी का माहौल था, इस वजह से उन्होंने नए नए कपड़े पहने हुए थे। सो देयर मदर हैड ड्रेस्ड इन न्यू क्लॉथ, इस वजह से उनकी माँ ने उनको नए नए कपड़े पहनाए हुए थे। और एंड फॉर देयर प्लेजर बोथ ऑफ देम वैन मेट नियर देयर होम स्टेट्स शोड देयर क्लॉथ टू ईच अदर। और कहा जा रहा है कि अपनी खुशी जाहिर करने के लिए वो जो दोनों बच्चियाँ थीं, जब अपने घर के पास में मिली एक दूसरे से, तो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए उन दोनों ने अपने अपने ड्रेस एक दूसरे को दिखाया, है ना। अब दूसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वाई डिड दे स्टेप इनटू द पडल व्हाट मेड देम फाइट। दो क्वेश्चंस हैं कि उन दोनों ने पडल, यानी कि कीचड़ से भरे हुए गड्ढे में उन्होंने क्यों कदम रखा, और व्हाट मेड देम फाइट, यानी कि किस वजह से उनके बीच में लड़ाई हुई। अब देखिए, द टू गर्ल्स वर यंग चिल्ड्रेन एंड वर रिजॉइसिंग इन द फेस्टिवल ऑफ ईस्टर, मतलब दोनों जो बच्चियाँ थी वो बहुत छोटी छोटी थी, है ना, और रिजॉइसिंग इन द फेस्टिवल, यानी कि खुशी का माहौल था, पर्व त्यौहार था ईस्टर का, तो इस वजह से उसमें वो मशगूल थी, खुश थी, है ना, एंजॉय कर रही थी। फिर क्या हुआ कि सून देयर फैंसी टुक देम टू स्प्लैश अबाउट इन द वाटर एंड स्मॉलर वन स्टेप्ड इनटू द पडल, यानी कि जल्द ही क्या हुआ, है ना, जो उनकी फैंसी लुक थी, है ना, फैंसी की वजह से अपनी सुंदरता जो थी, उनकी जो झलक रही थी, उसमें इतने मशगूल हो गई वो एक दूसरे को दिखाने में कि वो स्प्लैश, एक दूसरे के ऊपर छींटे मार दी उन लोगों ने, है ना। स्मॉलर वन स्टेप्ड इनटू द पडल, और जो छोटी वाली लड़की थी वह पडल यानी कि कीचड़ में चली गई। फिर क्या हुआ, सीइंग द पडल दे थॉट ऑफ टाइम फन, मतलब जैसे ही उन्होंने कीचड़ देखा तो उनको मज़े वाली माहौल का आभास हुआ कि अब उसमें भी ये फन कर सकते हैं, मज़े ले सकते हैं। एंड केम नियर इट टू स्प्लैश एंड एंजॉय, उसके बाद से वो एक दूसरे के पास आए, मतलब वे दोनों जो थीं वो पडल के पास गईं और उसमें मज़े लेने के लिए उसमें कूद गई और इन्जॉय करने लगी। As they liked their dresses very much, splashing water made the clothes and face of a girl dirty. यानी कि जैसे कि वो अपने ड्रेसेस को बहुत पसंद करती थी, बहुत चाहती थी, जिसको उन्होंने पहन रखा था, तो स्प्लैश करने की वजह से, यानी कि छींटे मारने की वजह से, जब उसमें उन्होंने पैर छपाक से रखा तो जो पानी उसमें जो कीचड़ वाला पानी था वो उनके कपड़े पे गया, जिससे उस पर धब्बे हो गए और गंदे हो गए वो लोग, तो उनकी ड्रेसेस गंदी हो गई। तो इस वजह से एक जो लड़की थी अकोल्या वो नाराज़ हो गई, एंड हैंस सी बिकेम फ्यूरियस एंड स्टार्टेड फाइटिंग, और इस वजह से दोनों जो थी उग्र हो गई और दोनों लड़ने लगी, यही रीज़न था। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट डिड द ओल्ड वीमेन मीन बाई इज़ इट राइट टू बिहेव सो ऑन ए डे लाइक दिस टू, यानी कि ये जो लाइन है इसका और बूढ़ी जो औरत ने बोला था उसका क्या मतलब है। ये जो लाइन थी, कहा जा रहा है ना कि क्या यह मतलब ये बर्ताव, ऐसा बर्ताव करना क्या आप लोगों के लिए सही है, और इस तरीके के ओकेजन पे ऐसे दिन में, है ना। तो इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं कि द ओल्ड वीमेन मीन टू से दैट सच क्वेरलिंग वॉज क्वाइट अनवाइज, यानी कि अनवाइज मतलब ये बुद्धि भरा वाला काम नहीं है, है ना। उन्होंने कहा, बूढ़ी औरत ने बोला कि सच क्वेरलिंग, इस तरीके की लड़ाई जो आप कर रहे हो आप लोग, यह एक मतलब बुद्धि वाला काम नहीं है। इट वॉज़ द हैप्पी ओकेजन ऑफ ईस्टर, आज तो मतलब ईस्टर का बहुत अच्छा त्यौहार है ना, बहुत अच्छा अवसर चल रहा है, ये फेस्टिवल है, एक पर्व त्यौहार का दिन है। विच वॉज एन ऑस्पिशियस डे, है ना, विच वॉज एन ऑस्पिशियस डे, ये बहुत ही अच्छा सुगम दिन है। सो द डिस्प्यूट वॉज वेरी ऑड, और इस दिन आप जो झगड़ा कलह कर रहे हैं वो बहुत ही ऑड है, बहुत अजीब सा है, अजीब वर्ताव आप लोग कर रहे हैं। ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल सच डिस्प्यूट शुड नॉट बी ब्रॉट, और इस दिनों, इन दिनों मतलब जब भी फेस्टिवल्स होते हैं, पर्व त्यौहार, इन दिनों आप किसी को भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये बता रही हैं बूढ़ी औरत। सो द ओल्ड वीमेन रिमाइंड्स द पीपल दैट दे शुड नॉट मेक द ओकेजन ऑफ ए फेस्टिवल अनप्लेजेंट। तो इसी बात को याद दिलाने के लिए कि कोई भी जो पर्व का त्यौहार का मौका होता है, अवसर होता है, उन अवसरों पर किसी को लड़ाई झगड़ा कर उस माहौल को बुरा नहीं बनाना चाहिए, है ना, दुखद नहीं करना चाहिए। चलिए चौथे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि वाई डज द राइटर कॉल द टू लिटिल गर्ल्स डियर लिटिल सोल्स, यानी कि प्यारी छोटी आत्माएं, है ना। तो वाई डज द राइटर कॉल, यानी कि कहानी के लेखक ने इन छोटी लड़कियों को डियर लिटिल सोल्स क्यों कहा है। चलिए आंसर देखते हैं कि इन द स्टोरी लिटिल गर्ल वाइजर देन मी लियो टॉल्स्टॉय कॉल्स द टू लिटिल गर्ल्स डियर लिटिल सोल। तो इस लाइन से हमें ये पता चल गया कि इस कहानी के लेखक जो हैं लियो टॉल्स्टॉय हैं। तो लियो टॉल्स्टॉय जो हैं लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मी, सॉरी यहाँ पे मी होगा, है ना, तो सॉरी मैन ही होगा। तो कहा जा रहा है कि लियो टॉल्स्टॉय जो हैं इस कहानी के लेखक जो हैं वह इन दोनों बच्चियों को डियर लिटिल सोल्स कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो देखते हैं कि द टू लिटिल गर्ल्स मलाशा एंड अकोल्या क्वेरल ओवर ए पेटी इशू, यानी कि एक छोटी सी बात पर ये दोनों जो लड़कियां थी मलाशा एंड अकोल्या एक दूसरे से लड़ाई कर बैठती हैं। देयर क्वेरल लीड्स टू एन एंग्री क्वेरल बिटवीन देयर मदर्स, उनकी जो लड़ाई होती है वह एक बहुत गुस्से वाली लड़ाई में तब्दील हो जाती है बिटवीन उनकी मदर्स, यानी कि उनकी लड़ाई ट्रांसफ़र हो गई उनकी माओं के बीच में। फिर दे फॉरगेट ऑल अबाउट देयर क्वेरल आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, मतलब थोड़ी देर बाद वो जो लड़ाई हो रही थी, जो उनकी पहले बच्चियों के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, उन लड़ाइयों के बारे में वो दोनों बच्चियाँ भूल गईं। फिर दे प्ले टुगेदर हैप्पीली, फिर उसके बाद वो एक साथ खेलने लगी खुशी खुशी। बट देयर मदर्स एंड नेवर्स गो ऑन फाइटिंग, लेकिन वो जो बच्चियों की जो पेरेंट्स थे या फिर पड़ोसी थे, माताएं थी जो उनकी, वो आपस में अभी भी लड़े जा रही हैं, लेकिन उस समय जो बच्चियां थीं वो आपस में खुशहाल मतलब खेले जा रही थी खुशी से। तो इसी बात पे उन्होंने उन दोनों बच्चियों को डियर लिटिल सोल्स कहा है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि एक्सप्लेन एक्सपेक्ट ये टर्न एंड बिकम्स एज लिटिल चिल्ड्रेन ये सेल इन नो वे इंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। ये थोड़े अलग सेंटेंसेस हैं, मतलब इसका एक्सप्लेन करते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, दिस मीन दैट चिल्ड्रेन आर वेरी पियर्स एंड प्योर हार्टेड। पियर्स का मतलब होता है मतलब बहाना, है ना। तो बोला जा रहा है दिस मीन दैट चिल्ड्रेन आर वेरी पियर्स एंड प्योर हार्टेड, मतलब पियर्स मतलब होता है धर्मनिष्ठ, है ना। तो दे आर वेरी धर्मनिष्ठ एंड प्योर हार्टेड, वो बहुत साफ दिल के होते हैं बच्चे जो होते हैं। दे डिड नॉट हैव इल फीलिंग्स अगेंस्ट एवरी वन, है ना, यहाँ पे एवरी वन होगा, सॉरी, यानी कि किसी के खिलाफ उनके लिए मन में कोई इल फीलिंग नहीं होती, कोई बुरी ख्याल नहीं होते बच्चियों के मन में। दे वॉन्ट टू लिव इन पीस, वे शांति में रहना पसंद करते हैं। एंड ऑल्सो विद सम लव, और वो प्यार के भूखे भी होते हैं। बिकमिंग लिटिल चाइल्ड मीन्स सेडिंग ऑल व्यूज एंड मेलाइज फ्रॉम हर्ट टू एंजॉय अ चेयरफुल लाइफ, यानी कहा जा रहा है कि छोटा बच्चे होने में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको दिल से, है ना, हर एक चीज़ को खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करते हैं। यानी कि मतलब कहा जा रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कि वो हर एक मोमेंट को एंजॉय करते हैं, हर समय वो खुश रहते हैं, चेयरफुल लाइफ जीते हैं। तो अनलेस मैन इज़ नॉट फ्री फ्रॉम ऑल सच फॉलीज ही विल नॉट गेट एंट्री इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। यानी कहा जा रहा है कि आपको तो पता है कि इंसान जो है, आदमी जो है, वह इन सब तरीक़ों से मतलब आज़ाद नहीं होता है, मतलब ये सब नादानियों से वो आज़ाद नहीं होता है। इस वजह से ही विल नॉट गेट एंट्री, इस वजह से उसको स्वर्ग में, स्वर्ग के साम्राज्य में उसको एंट्री नहीं मिलती है ना। The God grants permission to enter into His kingdom of heaven to only those who have sacred hearts like children। यानी कि वही बोला जाता है कि भगवान जो हैं उन्हीं लोगों को साम्राज्य, मतलब स्वर्ग के साम्राज्य में एंट्री देते हैं, उन्हीं लोगों को जो लोग बच्चों की तरह सेक्रेड हार्ट, यानी कि धार्मिक मतलब मन से जो बच्चे रहते हैं, जिस तरीके से है ना, बिल्कुल कोई मतलब चिंता फिक्र नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती है, वो खुशी से इंजॉय करते हैं लाइफ को, चेयरफुल लाइफ इंजॉय करते हैं, है ना। तो प्योर हार्ट होता है उनका, है ना, शुद्ध होता है बहुत। तो वैसे दिल वाले बच्चों को भगवान जो हैं क्या कहते हैं, अपने किंगडम ऑफ हेवन यानी कि स्वर्ग के साम्राज्य में एंट्री देते हैं उनको। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है, इसके क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।